डॉग निक्सन, ठीक है, और सिड और सब लड़कियों मावी सबको गालियां दे चल रहा था। जिन लोगों को कुछ पता हुआ, एक हेटर आया था मार्केट में, खुद को शेरलॉक होम्स समझ रहा था कि नहीं पकड़ पाएगा कोई बेटा, लेकिन तू टिप्स एंड ट्रिक्स से बच नहीं पाएगा, ठीक है। और अभी तेरे को बताता हूँ तू पकड़ा कैसे गया, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि अपनी स्टोरी में डाला था यहाँ पर कि डोप गॉट नो चिल करके बंदा है, मुझे पता था यही है, बट हम लोगों को एक सबूत चाहिए था, ठीक है, मुझे शक इस पे हो चुका था। तो हम लोगों ने गाइस पहले बताता हूँ पूरी छोटी छोटी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक अकाउंट है गाइस इंस्टाग्राम पे, पहले उसका नाम डॉग निक्सन गेमिंग था, उसने बायो में मेरी मम्मी को लेकर मॉम को लेकर बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी थी, इसीलिए तेरी दल्ले तेरे को छोड़ने नहीं वाला, तू कितना भी वो कर ले, ठीक है। तो गाइस वहां पर उसने गाइस आपको पता है हेट आती रहती है, सब इग्नोर करते हैं, हेट की जगह ना वो लड़कियों को रेप थ्रेट्स दे रहा था। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है ना जो उसके साथ कन्वर्सेशन में आ चुकी है, तो आपको कमेंट में बता दी कि वो कैसी कैसी बातें करता था, ठीक, अपने क्या बोलते हैं कमेंट्स में, कमेंट्स नहीं लड़कियों के डीएम में, ठीक है। तो वो रेप थ्रेट देता था सबकी ना, मतलब उसको पता नहीं यार क्या था वो, मैं गाली भी मेरे मुंह से नहीं निकल रही, सबको इतनी फैमिली पे गाली देता था, स्नैक्स सेड मेरे को, ओशियन को, सबको, लड़कियों को, सबके। और गाइस उसने क्या किया ना, एक लड़की का प्राइवेट फोटो व्हाट्सएप से उठा के, ठीक है, और उस लड़की का ना कॉन्टेक्ट ओनली में था वो फोटो, वो उठा के उसने डाल दिया था इंस्टाग्राम पे। तो उधर से भी बस मैं पता कर रहा था कि ये क्या उसके कॉन्टेक्ट में, वहां से पता चल गया। तो गाइस मुझे कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाने वाली, एक्सप्लेनेशन वीडियो मैक्सन बना देगा, बट मैं आपको बता दूं पकड़ा कैसे गया। और सबसे पहले बता दूं उसने भी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है ना बेटा तूने कि मेरे पास वो अकाउंट था मैंने फिशिंग करके पकड़ा। अबे इधर क्या मूवी चल रही है, क्या कोई एनिमे चल रहा है इधर कि तूने फिशिंग लिंक भेजी और उसने पकड़ लिया, पागल है क्या तू दिमाग से। तो गाइस इसने ये क्या बोलता है, मेरे पास वो अकाउंट आ गया था मैंने उसका बायो चेंज किया, भाई ये इधर का हिला हुआ है क्या तेरा कि है ही नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे पास वो अकाउंट है, आप गाइस खुश हो जाओ कि उसके पास वो अकाउंट है जो स्नैक्स, उसके बाद अब्यूसिव वर्ड डॉग निक्सन, ठीक है, और सिड और सब लड़कियों मावी सबको गालियां दे रहा है, वो नंबर लीक कर रहा है, ठीक है। बोलते मेरे पास वो अकाउंट था, मेरे को रूट तक पहुंचना था। अभी कोई मूवी चल रही है क्या 3 घंटे की, तेरे को रूट तक पहुंचना था, क्या करेगा रूट तक जाके फल खाएगा क्या उधर जाके। अजीब अजीब बातें कर रहा था यार अपनी इंस्टाग्राम पे। तू अगर डिलीट करेगा ना, तूने कमेंट भी ऑफ कर दिया चल, क्योंकि तुझे पता तू फंस गया। पूरी की पूरी मैंने वहां पे वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया, तू डिलीट कर दे, तू बचने वाला। इसको क्या लगा कि हमने इसको कैसे पकड़ा है, हमने कोई साइबर सेल वाला हायर किया है, तो हमने आईपी ट्रेस करके, तो इसने खुद ही उक दिया कि यहां पर हाँ मैंने लॉग इन किया था। इसको लगा बेटा तेरे को वैसे पकड़ा है, वैसे नहीं पकड़ा, पकड़ा कैसे तेरे को बताता हूँ। तो गाइस मुझे डोप गॉड चिल पे पहले से ही शक था, मैक्सन को भी शक था, तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे को बस चाहिए था कि डोप गॉड चिल तक मेरा नंबर पहुंचे, लेकिन कौन सा, जो मेरा प्राइवेट है। तो डोप गॉड चिल मैक्सन के साथ बातें करता था, वही उसका मीडिएटर था कि आज हेटर ने ये कर दिया, आज हेटर ने वो कर दिया। मैंने बोला मैक्सन मेरा नंबर भेज इसको कैसे भी करके। उसने सामने से मांगा कि निक्सन का नंबर है क्या आपके पास, मेरे पास है नहीं, मुझे मतलब ऐसी नॉर्मल बातचीत के लिए। तो मैंने बोला मैक्सन सुन, इसको मेरा रेगुलर नंबर मत भेज, क्योंकि हो सकता है वो किसी लोगों के पास हो, मेरा सुपर प्राइवेट नंबर किसी पूरे कम्युनिटी में किसी के पास नहीं है वो, ठीक है, 2-3 बंदों के पास है जिनको मैं जानता हूं, जैसे जी गॉडर रही सब, ठीक है। वो नंबर मैक्सन ने इसको दिया, इसने सेव कर लिया। अब तू मुझे पता था तू ट्रू कॉलर पे चेक करेगा, ट्रू कॉलर पे भी मैंने लव शर्मा लिख रखा था, तू व्हाट्सएप पे चेक करेगा, सब कुछ मैंने ऑल कर दिया, दिमाग लगाता था ना तू, देख क्या दिमाग लगाया था हमने। यही बोला था जानबूझ के कि ये नंबर सबके पास है। हाँ, तो गाइस हम लोगों ने ये भी बोला था कि ये नंबर सबके पास है, मतलब ये वायरल नंबर है, हम लोगों ने ऐसा बोला था कि ये नंबर वायरल है, तो उसको लगा हाँ वायरल है तो कोई भी वायरल कर सकता है, बेटा तू गया ठीक है। नंबर पहुंचा उसके पास, उसने अपना डाल दिया नंबर, ट्रू कॉलर में चेक किया होगा या फिर कहीं पर भी चेक किया होगा, लव शर्मा रहा था, व्हाट्सएप पे भी मैंने डीपी लगा, सेम डीपी लगा दी थी मैंने कि अगर तेरे को कहीं से पता भी चलता है तो, और डोंट बी अफ्रेड जस्ट से बूम वो भी लगा दिया था मैंने बायो में, चल वो तो मेरा पहले से, ठीक है। वो नंबर सिर्फ डोप गॉड चिल के पास गया पूरे कम्युनिटी में और किसी के पास नहीं, ठीक है गाइस याद रखो ये नंबर सिर्फ डोप गॉड चिल के पास था और किसी के पास नहीं। फिर मैंने हेटर को ना सुबह पोक किया, मैंने उसको गाली लिखी हेटर को जो डॉग निक्सन था, तो उसने फिर मेरे को रिप्लाई किया ये वो छक्के वक्के, ठीक है चल। फिर मैंने कर दिया ब्लॉक, मुझे पता था तेरा ईगो हर्ट होगा, तू मेरा सबसे बड़ा हिटर है ना, देख अभी तू, तो मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो डोप गॉड चिल मैक्सन को आके बोलता है कि वो निक्सन को पे गुस्सा हो गया ऐसा वैसा करके, अब पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा, ठीक है। तो गाइस सुनो, मैक्सन ने बोला ठीक है ठीक है, हम बस जो चाह रहे थे ना गाइस इस फोन में मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूं। फिर वो डोप गॉड चिल क्या बोलता है, मैक्सन भाई एक मजे की बात बताऊं क्या, मैक्सन बोलता है यस। तो साला वो नंबर जो मैंने सिर्फ डोप गॉड चिल को दिया था, वो बोलते हैं कि ये मेरे को हेटर ने दिया, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि तू वो नंबर खाली निकाले उससे, ये नंबर सिर्फ मैंने डोप तेरे को दिया था और किसी को नहीं दिया था कम्युनिटी में, तू बोलता है तेरे को हेटर ने दिया, अनसेंड करेगा मैसेज, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पीछे के कैमरा से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है मैक्सन के पास, वही नंबर बोलता है। एक मजे की बात बताऊं, गॉड निक्सन का प्राइवेट नंबर है उसके पास। अबे साले छक्के दल्ले बहन के लौड़े, तेरे को क्या लगता है तू बच जाएगा भाई, तू गंदा फंसा, तेरे पे ना लड़कियां जो है ना अगर केस कर दिया ना बेटा किसी ने रेप थ्रेट और ये लेके वो लेके, तो भाई तू बहुत
साले जेल हो जाएगी। जो तेरे को लग रहा था ना मूवी चल रही है, फैंटेसी में जी रहा था, लगी कि सबको किसी को गाली दे दूंगा, मां बहन की कर दूंगा, थोड़ी तो तू इधर से बना रहा था ना, इधर से पिल गया बेटा तू। इस तरीके से गाइस हमने इसको पकड़ा कि इसने जो मेरा प्राइवेट नंबर था वो मैंने सिर्फ डोप को दिया था, मैं चाहता था कि कहीं से वो निकले। और वो बोला डोप ने कि हैकर ने मेरे को दिया, और वो वीडियो में अभी इसमें एडिट करके दिखाता हूं आपको क्या बोल रहा था। और गाइस इसका खेल खलना, पूरी वीडियो आपको मैक्सन के किस पर डालेगा तू, कौन से चैनल डालेगा, सबूत के साथ डालेगा इसको, सारे स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पे देख लेना। और नीच इंसान साले, नीच भाई, गाली भी नहीं, मैं गाली नहीं देता, मेरे सपोर्टर्स को पता है कि मैं गाली नहीं देता, फिर भी भाई तूने ऐसी हरकत करी है। मेरे को गुस्सा तेरे पे पहले से था जब तूने बायो लगाई थी गॉड निक्सन मॉम करके, तेरे को साले छोड़ूंगा, तुमको मिल गया ना तेरे को चल लीगल एक्शन, तेरे को मैं ही क्या करूंगा भाई, एक हाथ थप्पड़ में तो साले तू जमीन चाट जाएगा। एक मजे की बात बता, बता 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 मेरे को, ब्लॉक वाली बात बताएगा। देखियो मेरे को डीएम में निक्सन का असली नंबर कौन सा नंबर पूरा व्हाट द फक वाला रिप्लाई कर, व्हाट द फक कर 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 जल्दी कर। अबे व्हाट द फक में एफ तो लगाता बहुत बार, बाकी चुप लिख, एम के सी लिख, फोन में भी रिकॉर्ड करता हूँ। जल्दी लिख, सी फंस गया मादरचोद, रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर, फंस गया माँ की चोद। ओ भाई ये नंबर तो, हाँ भाई बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। हाँ भाई इधर है आया अभी कैप करी फेल पड़ी, लेके चली बंदी मुझे महंगे जगह पर, भाई तेरा ढीट है भाई तेरा लेट है भाई तेरा पानी जो रखा उसे रानी जैसे, ऐसे कैसे उड़ाया पैसे कोई पानी जैसे।